हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बनाना, केला खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप केले का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि केले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, ए प्रेजेंट होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, डाइट्री फाइबर एंड फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सोलूबल फाइबर एंड इनसोलूबल, सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं जो केले के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनका हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट जो है, आप सभी को पता है कि हमारे अंदर 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष। अब चलिए बात करते हैं कि ये तीनों में से कौन से ऐसे दोष होते हैं जिनमें अगर हम केले का यूज़ करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ये वात दोष के लिए और पित्त दोष के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनको कफ दोष रहता है, कफ की प्रॉब्लम होती है, उनको केले का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर जो लोग जिन्हें पित्त की और जो है वात की प्रॉब्लम है, वो लोग केले का यूज़ कर सकते हैं, उनका ये दोनों ही दोष क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि केले के अंदर डाइट्री फाइबर पाया जाता है। तो अगर हम केले का यूज़ करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्पेशली जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप केले का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप कोई फल वल खाएंगे, इतनी जल्दी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी अगर आप 3 से 4 केला या 5 केला खा ले रहे हैं ऑन द स्पॉट, आपको तुरंत ही एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है। तो अगर आप केले का यूज़ करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आपको मिलेगी, आपके अंदर की एनर्जी बूस्ट होगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि बोन हेल्थ हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला बेनिफिट आपको मिलेगा वेट मैनेजमेंट। देखिए, केला वेट को बढ़ाता भी है, केला वेट को डिक्रीज भी करता, घटाता भी, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी नहीं होती। अगर आप वेट को इंक्रीज करना चाहते तो आप केले को दही के साथ, केले को या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके वेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली केले का यूज़ करते हैं तो ये आपके वेट को भी डिक्रीज करता है। तो दोनों में ही ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है किडनी हेल्थ, हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप केले का यूज़ करते हैं तो ये आपके किडनी के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ये हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम केले का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने आपके साथ शेयर किया। हार्ट के लिए अच्छा होगा, किडनी के लिए अच्छा होगा, हमारे बोन्स के लिए अच्छा होगा, वेट को मैनेज करके रखता है, वेट को इंक्रीज भी करेगा, वेट को डिक्रीज भी करेगा और हमारे अंदर की एनर्जी को बूस्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेशली अच्छा होता है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है अगर वो कंटिन्यूस केले का यूज़ करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो अगर आप आज से केले का यूज़ करते हैं तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो आज से प्रॉपरली केले का यूज़ करिए ताकि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिले जो हमने आपके साथ शेयर किया। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे सर के सौर भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।